तो यहाँ से डीएम प्लांट के अंदर वाटर इन होता है, हम उस वाटर को रॉ वाटर बोलते हैं, और यहाँ से डीमिनरलाइज वाटर आउट होता है, यानी कि उस वाटर के अंदर मिनरल्स नहीं होते हैं। लेकिन जो सेकंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर होते हैं, फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर होते हैं, चाहे वो एग्जाम देते हैं या फिर इंटरव्यू देते हैं कौन से भी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के लिए, तो मोस्टली उनको वाटर पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें हर एक बेड का काम क्या है और कौन सा बेड क्या एक्सचेंज करता है, इसके अंदर रिएक्शन कैसी होती है। मुझे कमेंट आया है कि सॉफ्ट वाटर के ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, सॉफ्ट वाटर यानी कि हमारा डीएम वाटर ही होता है। हम उसको सॉफ्ट वाटर क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। कोई कोई कमेंट ये भी भेजा है कि ब्लाइंड वाटर क्या होता है, उसका भी रीजन मैं इसमें बताऊंगा। ये सब जो नाम है फ्रेंड, सॉफ्ट वाटर, स्मूथ वाटर, ब्लाइंड वाटर, डीमिनरलाइज वाटर, सब डीएम प्लांट के अंदर ही बनते हैं। और हम मिस क्या कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर डीएम के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम मिस कर देते हैं कि किसको क्या बोलना चाहिए। तो फ्रेंड हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि डीएम प्लांट के अंदर वाटर का रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है, रिएक्शन मतलब क्या होता है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इसको एक बार देखते हो तो आपको डीएम प्लांट के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, सॉफ्ट वाटर के बारे में भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपका पूरा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। होता क्या है फ्रेंड, प्रॉब्लम क्या है, मेन जो सेकंड क्लास बॉलर ऑपरेटर होते हैं, फर्स्ट क्लास बॉलर ऑपरेटर होते हैं, उनका जो एजुकेशन होता है वो होता है 10th पास या फिर 12th पास, यानी कि 10वीं 12वीं पास होते हैं। और उन्हें प्रॉपर क्या होता है वहाँ पे, उस 10वीं 12वीं में क्या होता है, प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलती है सीखने के लिए। तो मेन प्रॉब्लम यही होती है, डीएम के अंदर रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं, मोस्टली दो टाइप होते हैं, एक कोल्ड रिएक्शन होती है और एक हॉट रिएक्शन होती है। तो हमारे डीएम प्लांट के अंदर हॉट रिएक्शन आपको भी पता होगा, हम डीएम प्लांट के अंदर वाटर को कभी हॉट नहीं करते और हॉट वाटर कभी डीएम के अंदर नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो रिएक्शन है फ्रेंड, कोल्ड रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि डीएम के अंदर क्या होता है, वाटर के साथ ऐसा क्या होता है कि वो डीमिनरलाइज वाटर बन जाता है। डीमिनरलाइज वाटर यानी कि क्या, उसका मतलब क्या है, इस वीडियो में हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, इस प्रकार का यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट किया आपके लिए। पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आप ये डीएम प्लांट का वीडियो देखते हो तो आपको दूसरा कोई बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ओनली फॉर फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास बॉलर अटेंडेंट। बहुत सारे डाउट लेकर के यहाँ पे ऑपरेटर लोग जो होते हैं कमेंट करते हैं कि सर ये बता दो, सर ये क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ब्लाइंड वाटर क्या होता है, वो डीमिनरलाइज वाटर क्या होता है, मिनरल्स यानी कि क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और कौन सा पेड़ क्या निकलता है, कैसे निकलता है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक्नोलॉज को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं सॉफ्ट वाटर, ब्लाइंड वाटर और डीमिनरलाइज वाटर। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, होप आप इसको समझ पाओगे। तो चलिए फ्रेंड देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कौन सी भी चीज हमें समझने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज ऐसा होता है कि वो समझना जरूरी होता है। और दूसरी बात, हम हर एक चीज को नॉलेज या फिर बुक से या फिर कौन सा भी इंसान अगर आपको बताता है तो वो नॉलेज गेन करने के लिए हमारी जो मेमोरी होती है यानी कि हमारा जो दिमाग होता है उतना तेज होना चाहिए। किसी किसी आदमी का क्या होता है, किसी किसी दिमाग में नहीं बैठता है। तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, हमें जो फास्ट फास्ट यानी कि बहुत जल्दी, जैसे एक बार में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऐसा नॉलेज हमें गेन करना चाहिए। तो वो कैसा होता है फ्रेंड,
वो होता है लॉजिक। लॉजिक यानी कि आपको लॉजिक ही उसके पीछे का पता नहीं। अगर आप रट्टा मारते हो शैन फिल्टर में ये निकलता है, एनायन फिल्टर में वो निकलता है, उससे कोई मतलब नहीं। आप रट्टा मार के रखोगे तो रट्टा ही रह जाएगा, आपको उसके बारे में फुल फिल नॉलेज नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम जो वीडियो बनाते हैं फ्रेंड, हम लॉजिक लेकर के वीडियो बनाते हैं। लॉजिक से क्या होता है कि समझ में आता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर लॉजिक आपको पता नहीं है तो वो रट्टा मार के आपका कोई फायदा नहीं है। आप देखिए, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो या फिर कोई भी इंसान आपसे कौन सा भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक मालूम है तो आप अच्छा से उसको एक्सप्लेन करके दे सकते हो। अगर आप रट्टा मार के आए हो तो डायरेक्टली आप उसको आंसर बता सकते हो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं बता सकते, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने देते हो, क्योंकि उसको भी पता नहीं है और आपको भी उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या होता है। अभी लॉजिक यानी कि इस डीएम प्लांट में क्या लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पे हम ये लॉजिक लगाएंगे कि डीएम प्लांट के अंदर हम रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन का मतलब क्या है ये पहले समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, जनरली आप ये जो वीडियो देख रहे होंगे वो मोस्टली कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कभी आपके हाथ पे ऑयल या फिर ग्रीस लगा होगा, तो वो ऑयल या ग्रीस हम डायरेक्टली वाटर से वॉश नहीं करते हैं। हम उस हाथ को या तो कॉटन से क्लीन करते हैं या फिर सोप सॉल्यूशन लगा करके उसको क्लीन करते हैं। डायरेक्टली वाटर से हम उसको क्लीन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं फ्रेंड, आप कभी सोचा है इसके बारे में? सोचना जरूरी है, आपको सोचना चाहिए कि ये जो ऑयल है या फिर ग्रीस है हम वाटर से वॉश क्यों नहीं करते। क्योंकि फ्रेंड ये कॉमन बात है कि यहाँ पे वाटर से वो ऑयल या फिर ग्रीस आपके हाथ के ऊपर का क्लीन नहीं होने वाला है, ये आपके दिमाग में बात आई होगी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे डीजल लेते हैं या फिर रॉकेल लेते हैं, केरोसिन और या तो फिर पेट्रोल लेते हैं और हाथ को वॉश करते हैं, यानी कि हैंड को क्लीन करते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, अगर डीजल से भी हम हाथ को क्लीन करते हैं तो उसके बाद हम कॉटन से उसको पोंछ लेते हैं, उसके बाद फिर भी हम वाटर से क्लीन नहीं करते हैं, क्योंकि फायदा ही नहीं, वहाँ पे निकलने वाला नहीं है, उसके बाद हम सोप सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है आपको यहाँ पे समझना चाहिए। यहाँ पे यह हो रहा है कि वहाँ पे वाटर के साथ जो ऑयल है वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि रिएक्शन नहीं हो रही है। वाटर जो है ऑयल को नहीं निकाल सकता है। वाटर का और ऑयल का 36 का आंकड़ा समझ लो, या तो फिर वहाँ पे उनका कोई मिलना जुलना नहीं होता है। तो ये जो बातें हैं, ये जो नॉर्मली हम कॉमनली यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये यही रिएक्शन होती है फ्रेंड। इसके ऊपर हमें ये समझना है कि जो ऑयल है वो वाटर से नहीं मिलता है, तो वहाँ पे ये हो रहा है वाटर और ऑयल इस दोनों के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, डीएम प्लांट के अंदर रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन यानी कि क्या, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे मुझे, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। यानी कि अगर आप कुछ मुझे रिएक्शन देते हो, यानी कि रिएक्ट करते हो, सर ये क्या है, ये हमें समझ में नहीं आया, तो ये रिएक्शन हो गए। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है या फिर आपका समझने का तरीका है, इसमें कुछ अट्रैक्टिव हो रहा है, इसलिए आप एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ और ऐसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ भी नहीं हो रही है। तो रिएक्शन का मतलब क्या है, तो ये रिएक्शन जो है कुछ लेना और कुछ देना, इसको रिएक्शन बोलते हैं। तो आगे वाला कुछ भी ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ भी वस्तु हो और इस वस्तु के साथ कुछ लेती है, या तो उसको खराब कर देती है या फिर ये खुद खराब हो जाती है उससे, तो या फिर ये उसको अच्छा कर देती है या फिर वो इससे अच्छा बन जाती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर मैग्नेट को मेटल के पास लेके जाते हैं तो वहां पे रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है, मैग्नेट तुरंत मेटल को खींचता है तो वहां पे क्या रिएक्ट हो रहा है तो उसको ही रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर जो भी आयंस होते हैं, आयंस क्या ये भी हम जान लेंगे, तो ये आयंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो कैसे रिएक्ट होते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लंबी हो जाए, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज ये आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप
बेड के अंदर क्या निकलता है, रॉ वाटर जो होता है वो सॉफ्ट वाटर कैसे बनता है, ब्लाइंड वाटर कैसे बनता है और डीमिनरलाइज वाटर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं सैंड फिल्टर के ऊपर। ये जो हमारा सैंड फिल्टर है, इस सैंड फिल्टर के अंदर हम वाटर को फीड करते हैं, उसके बाद उस वाटर के अंदर क्या होता है ये देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैंड फिल्टर है। मैंने एक ग्राफिक से मदद से आपको एक सैंड फिल्टर उसका लेआउट बनाया है। तो यहाँ पे इस सैंड फिल्टर के अंदर हम रॉ वाटर फीड करते हैं टॉप से या फिर बॉटम से। मैंने टॉप से बताया, इसका मतलब ये नहीं कि टॉप से ही फीड कर सकते हैं, हम इसको बॉटम से फीड करके टॉप से भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम यहाँ पे टॉप टू बॉटम इसका सर्विस फ्लो लेने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सैंड फिल्टर में होता क्या है।